पंजाब के सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल बरकरार। जिन्ना हॉस्पिटल सीटी स्कैन मशीन के बाद एमआरआई मशीन भी जवाब दे गई। एमआरआई मशीन दो दिन से खराब, मरीजों को मुश्किलात का सामना। माल भी गया और बाल भी ना रहे। मांगा मंडी में डकैती के दौरान डाकू ने ख्वाजा सरा के बाल काट दिए। कार सवार डाकू ख्वाजा सरा से लाखों रुपए नकदी और दीगर सामान भी लूट कर फरार। एफआईए का हरबंसपुरा और सब्जाजार में ऑपरेशन टेलीफोन मिनी गेटवे एक्सचेंज चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। तीन अफराद गिरफ्तार, लैपटॉप और दीगर कीमती आलात बरामद। और पुलिस में पेट्रोल का बड़ा बहरान। पुलिस का पेट्रोल बंद, गश्त बंद, निगरानी ठप। एहलकार थानों में बैठने पर मजबूर। ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन की गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के इंजन खाली। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल स्कैंडल केस, नैब की तहकीकात मुकम्मल। रवामा रेफरेंस दायर करने की तैयारियां। आशियाना इकबाल में शहबाज शरीफ जबकि रमजान शुगर मिल केस में हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रायविंद में जिले इंतजामिया और लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 8 अफराद गिरफ्तार। काछा और सदड़ गांव में भी कार्रवाई, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ ली, 10 अफराद गिरफ्तार। जिमनी इंतखाब PP 168 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर रहमजाद खान ने 25 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को दुरुस्त करार दे दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन को पॉलिसी बनाने में मुश्किलात का सामना। स्कूल शुमारी को खत्म हुए 16 दिन गुजर गए। 385 स्कूलों ने ताहाल स्कूलों का डेटा अपडेट ना किया। डेटा अपलोड ना करने वालों में लाहौर के 10 स्कूल भी शामिल। मां बच्चे की सेहत का ख्याल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गंगाराम हॉस्पिटल में आगाही कैंप। शुरका को मां के दूध की अहमियत के हवाले से आगाही दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का भी दौरा। बोले बच्चों की बेहतर नशो नमा के लिए मां के दूध के अलावा कोई डाइट प्लान नहीं। और एंटीबायोटिक अद्वियात के फवायद कम, नुकसानात जायद। डीजी हेल्थ की जेर सदारत पॉलिसी एंड एडॉक्सी सेमिनार। एंटीबायोटिक अद्वियात के नुकसानात से बचने के लिए मुख्तलिफ तजावीज जेर बहस।